योगासन है ये, कौन सा योगासन था ये, कौन सा योगासन था बता। अच्छा टीप दिखाते सबको। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, क्या हाल है आपके। आई होप सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है, कोई सोवत है कोई जागत है। आपका स्वैग से स्वागत है, मैं हूं आपका विजय राहुल भाटिया। भाई थोड़ी सी दाढ़ी दाढ़ी बढ़ गई है, टोपी ओपी इसलिए लगा रखी है क्योंकि बाल भी बड़े हो गए हैं, कटवाने के लिए बंदा नहीं मिल रहा है, सब सैलून बंद है, तो थोड़ा टोपी ओपी डाल के थोड़ा बाल बाल छुपा लेते हैं यार, क्योंकि बाल जब बड़े हो जाते हैं ना तो कली हो जाते हैं, इधर उधर ऐसे ऐसे ना घूमने लग जाते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे हमने ये प्लान किया कि हम थोड़ा सा ओपन एरिया जो है हमारे पेंट हाउस का उसकी थोड़ी सफाई की जाए। मैंने और पापा ने थोड़ी मिलीजुली सरकार बनाई और साथ में सफाई कर दी शुरू, क्योंकि आपको तो पता ही है फैमिली हु क्लीन्स टुगेदर स्टे टुगेदर। आपको याद है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मेरी गाड़ी में आर्टिफिशियल ग्रास का एक रोल पड़ा हुआ है, मैंने बहुत टाइम पहले से ना खरीद के रखा हुआ था लेकिन मैंने कभी उसको यूज़ ही नहीं किया, कभी निकाला नहीं। वैसे मैं लाया था ओपन एरिया के लिए, तो एक काम करता हूँ नीचे जाता हूँ वो ग्रास का रोल लेके आता हूँ। लेकिन नीचे ना कुछ कुछ पपीज़ भी हैं, कुछ कुछ डॉगी के क्यूट क्यूट से बच्चे हैं, मैं सोच रहा हूँ उनके लिए ना थोड़ा सा खाना ले जाऊँ। जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, चाहे पेट एनिमल हो चाहे स्ट्रे एनिमल हो, उन लोगों को दूध बहुत पसंद होता है। इसके अंदर थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डाल देते हैं, ब्रेड तोड़ के डाल देता हूं मैं, या फिर अगर बिस्कुट डालूं तो हो जाएगा सोने पे सुहागा। ये है वो आर्टिफिशियल ग्रास का रोल, अच्छी तरीके से पैक्ड है। ये ज़्यादा महंगा नहीं लिया था मैंने, मुझे लग रहा है शायद मैंने 80 रुपये कुछ स्क्वायर फीट लिया था, 70 या 80 रुपये लिया था, काफ़ी टाइम से गाड़ी में ही रखा हुआ है। वैसे ग्रास देखने में तो बहुत ज़्यादा रियल लगती है, सामने से देखोगे तो रियल लगेगी, लेकिन करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, इसका भी करते हैं चीरा रन। मुझे लग रहा है इस कैची में धार खत्म हो गई है, दूसरी कैची लानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है, करते हैं कुछ जुगाड़। लाया हूँ चाकू, चाकू से देखता हूँ कटेगा कि नहीं कटेगा। घास जो है ना वो थोड़ी सी उल्टी सीधी हो गई थी, उल्टी सीधी में ना शेड का फर्क आ रहा था, एक साइड डार्क हो रही थी एक साइड लाइट हो रही थी, तो एक ही साइड रखनी है। कैसा लग रहा है यहाँ पर पेंट हाउस पे थोड़ा सा गार्डन बना के। वैसे इसका जो मटेरियल है ना ये यहाँ पर नायलॉन टाइप है, काफी नेचुरल लुक दे रहा है। पीछे की साइड पे रबर है। अच्छा एक अच्छी चीज मुझे इसके अंदर लगी, इसके अंदर ना यहाँ पर छेद दिए गए हैं, कहाँ गए छेद गए पे, यहाँ पर इसके अंदर छेद दिए गए हैं, ये देखो ये छेद पानी वानी निकालने के लिए बारिश वारिश पड़ जाए। थोड़ा सा ना इसके अंदर कुछ नया ट्राई करते हैं, बीन बैग्स पड़े हैं बहुत सारे, तो बीन बैग लगाता हूँ मैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेसमेंट ट्राई करता हूँ, पता नहीं कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आपको कोई और सजेशन है आपके दिमाग में तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ये हो गया हमारा टेरेस गार्डन तैयार, पेंट हाउस के टेरेस पे हमने ये छोटा सा गार्डन बनाया है। एक काम करता हूँ मम्मी पापा को बुलाता हूँ और उनका रिएक्शन देखता हूँ कि उनको कैसा लग रहा है। हाँ जी हेलो, आपके बेटे ने जो है ना बड़ी मेहनत करी है और पेंट हाउस में टेरेस गार्डन बनाने की कोशिश करी, एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए, देखें कैसा लग रहा है। और इसको संभालो पहले, ये असली की घास नहीं है, अगर तूने इसमें सुसु करा ना तू पिटेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल। हाँ जी कैसा लगा? ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। इस पे चेयर्स लगाओ, टेबल रखो, मॉर्निंग की और इवनिंग की टी यहीं पिया करेंगे। बहुत बढ़िया, मेरे लिए वहाँ चेयर लगवा दे। चेयर पड़ी है वहाँ पर पीछे, और चीकू भी आ गया। ओए
भैया ने कितना सुंदर बनाया देखो चीकू, इसको तो घास का मजा आ गया। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, घास का मजा ले रहा है। अगर तूने कर दी सुसु इस पे, इधर देख ले, जम 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 पिटाई हो जाएगी तेरी। क्वालिटी अच्छी, देखो ये ऐसे लग रहा है नेचुरल, क्वालिटी अच्छी है। क्या है कि हम बाहर तो जा नहीं सकते, तो मैंने सोचा कि आपको एक नई जगह घुमाने के लिए लेके जाएं। 6 बजे चाय का प्रोग्राम यही है, यही पे भी नहीं है चाय। चाय बनाएगा कौन? मम्मी बनाएगी। पकौड़े भी आप बनाओगे? आप क्या करोगे सर? पापा मम्मी को तो आर्टिफिशियल ग्रास का जो गार्डन बनाया है वो बहुत ज्यादा पसंद आया। थैंक गॉड मेरी जो मेहनत है ना वो सफल हो गई। मैं टेंशन में था यार, मैं सोच रहा था कि उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट व्लॉग में ना मैंने कुछ कुछ प्रैंक करने की कोशिश की। नेक्स्ट व्लॉग की जो झलकियां हैं वो वीडियो के एंड में आने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। फिलहाल मोबाइल का इस्तेमाल करते करते ना मम्मी पापा दोनों की गर्दन में हो गया दर्द। कुछ कुछ एक्सरसाइज बताएं और पापा ने कुछ ऐसा बोला जो बंद करा सकता है सब यूट्यूबर्स का धंधा। घर बैठे बैठे भी यहाँ पे दर्द होना शुरू हो। हम लोग घर पे बैठे बैठे पूरे दिन मोबाइल 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 ही करते रहते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग जो है ना हमें YouTube पे देख रहे होंगे तो अपने मोबाइल में ही देख रहे होंगे। यूज करना गलत चीज नहीं है और मोबाइल देखने का भी एक तरीका है। हम क्या करते हैं मोबाइल दिखाना, हम ना मोबाइल ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अभी क्या है गर्दन इसमें जो है यू झुकी हुई है। मोबाइल देखना तो ऐसे देखो, गर्दन आपकी स्ट्रेट रहे ऐसे इस तरीके से करो ताकि गर्दन पे प्रेशर ना आए। नहीं अब जैसे गर्दन में मेरा हो गया पेन हो गया, उसके लिए क्या एक्सरसाइज करूं? बहुत सारे लोगों को पेन हो भी रहा है तो पहले तो सबसे पहले सीधा बैठो बैक स्ट्रेट करके, उसके बाद जो गर्दन है पहले सबसे पहले सबसे ऊपर। अच्छा इसमें ना ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना, फिर वापस नॉर्मल पोजीशन पे, ऐसे नहीं कि ऊपर से ही बिल्कुल नीचे, फिर उसके बाद नीचे, फिर लेफ्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट यू शोल्डर एक्सरसाइज। ये शोल्डर एक्सरसाइज इस तरीके से और वापस रिवर्स। इससे ना एक चीज समझ में आ रही है, सोचो सिर्फ आई थिंक 3-4 दिन से आप मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हो, 10 दिन से कर रहे हो, चलो 10 दिन से कर रहे हो, सिर्फ 10 दिन में आपकी बॉडी ऐसा रिएक्ट कर सकती है, सोचो लॉन्ग टर्म इसके कितने ज्यादा बुरे इफेक्ट आ सकते हैं। अब के 90% यंगस्टर जो है ना सिर्फ मोबाइल पे ही लगे हुए हैं। अब जो है ना सारे यूट्यूबर्स का धंधा बंद करवाओगे, मोबाइल कम इस्तेमाल करेंगे लोग। टाइम डिवाइड कर लो, 2 घंटे करना है 4 घंटे करना है, थोड़ी 24 घंटे में 20 घंटे मोबाइल करोगे या लैपटॉप पे लगे रहोगे। आप सभी लोग यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, अच्छी बात है, देखना चाहिए, लेकिन जैसा मम्मी पापा कह रहे हैं एक लिमिट तक देखिए। मैं किसी का धंधा बंद नहीं कराना चाहता, मुझे बहुत सारे यूट्यूबर्स जितने भी हैं अब मेरे को मेल्स करने वाले हैं, मुझे पता है गालियां देने वाले हैं कि भैया तू लोगों को ऐसी सलाह क्यों दे रहा है कि मोबाइल कम करो। मैं ये पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा, हो सकता है वो लोग पैसा कमाने के लिए कर रहे हो। ये मेरा पैशन है वीडियोस बनाना, मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि आप मेरी वीडियोस लाइक करो एंजॉय करो, अगर कुछ भी आपको चीजें लग रही है तो बताओ, इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूं। तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी का धंधा बंद कराऊं, आप लोगों को बोलूं आप वीडियोस कम देखो, लेकिन ये बात तो हम सबको पता है कि मोबाइल कम इस्तेमाल करना चाहिए। पहले मम्मी पापा अपने बच्चों को बोलते थे मोबाइल कम कर मोबाइल कम कर मोबाइल कम इस्तेमाल कर, अब जो है ना अब उल्टा होता जा रहा है। मम्मी पापा इतने लगे हुए हैं मोबाइल पे, खुद ही लगे हुए हैं, मतलब मैं लिटरली सुबह से उठ के दोनों लगे हुए हैं मोबाइल पे लगे हुए, कुछ ना कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ देख रहे हैं। मेरी वीडियो 10-12 मिनट से ज्यादा की नहीं होती है, तो मेरी वीडियो तो आप देख ही सकते हो। आपकी मायू नहीं आ रही तो आपको कोई तकलीफ ज्यादा हो रही है घर के अंदर, आप क्या करोगे? फिर मम्मी की हेल्प बढ़ा देंगे ना, जो मान लो हम कितनी हेल्प कर रहे हैं उससे और बढ़ा देंगे। यार परसों मैंने बर्तन वो नहीं है कप नहीं धोया अपने, अपना प्लेट धोई थी मैंने, एक प्लेट धोने से काम हो जाता है, हेल्प हो जाती है। 100% में अगर 1% आपकी हेल्प हो गई तो 1% कम हो गई ना आपकी हेडेक। जहाँ मैं 99 कर लूंगी एक नहीं कर लूंगी, ऐसे नहीं होता, हेल्प होता है मतलब बराबर इक्वल। क्या लोगों को मैसेज दे रहे हो आप? वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अब आने वाली है नेक्स्ट ब्लॉग की झलकियां। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा इस वीडियो के अंदर, ऊपर जो हमने टेरेस गार्डन बनाने की कोशिश करी वो आपको कैसे लगी, कैसा लग रहा है, कुछ और सजेशंस है कि कहीं कहीं मैं गमले रख सकता हूँ, कहाँ कहाँ चेयर्स रख सकता हूँ, वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ये बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेट करता है खास आपके लिए बेहतरीन अच्छे वीडियोज बनाने के लिए। और जैसा कि आपको पता है खत्म करने से पहले एक बार मुस्कुरा दीजिए, जल्दी मिलते हैं दोस्तों। मैं कुछ प्रैंक करने वाला हूँ अपने मम्मी पापा के ऊपर, डर ये है कि भाई मेरी पिटाई ना हो जाए आगे, कुछ फेंक वेक के मार ना दे। मुझे ना लड़के पसंद है। पागल हो गया क्या? क्या कह रहा है तू? मतलब हम पेरेंट्स पागल हैं? नहीं तो मेरी चप्पल देखी है तो मैंने आज तक तेरा गुस्सा नहीं किया, मैं उठा भी लूंगा।